हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आपको अपनी ट्वींस प्रेगनेंसी को हेल्दी कैसे रखना है, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहली बात कि ट्वींस प्रेगनेंसी को कई लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। हाई रिस्क ट्वींस प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही बारीकी से इसका ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और हाई रिस्क कैटेगरी में उन महिलाओं को रखा जाता है जिनको ऑलरेडी डायबिटीज की शिकायत होती है एंड जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में टाइम से पहले डिलीवरी की हिस्ट्री रही हो, या फिर वे महिलाएं जिनको ऑलरेडी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो। आप अगर अपनी ट्वींस प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छे से देखभाल करती हैं, तो इससे आपकी एक हेल्दी ट्वींस प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको डॉक्टर्स द्वारा जो भी फॉलिक एसिड की टेबलेट एंड जो भी आपको विटामिन की टेबलेट दी जाती हैं, आपको उनको रेगुलर लेना है। आप इनमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आप एक बात ध्यान रखें कि आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी सप्लीमेंट्स डबल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसे कि आयरन और कैल्शियम की टेबलेट। आपको डेली एक ही टेबलेट लेनी है, इससे ज्यादा आप ना लें। और अगर आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में मतली की समस्या रहती है, तो आप भोजन के साथ ही विटामिन्स भी लें, इससे आपकी मतली की समस्या काफी ज्यादा कम हो जाएगी। आप एक बात का ध्यान रखें कि ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक हेल्दी भोजन और आपको सही कैलोरी लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना है कि ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में 1000 कैलोरी ज्यादा लेने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब होता है कि आप अभी तक जितना भोजन कर रही थी, आपको उसमें 1000 कैलोरी और ऐड कर देनी है। ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपको कैलोरी की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको पूरे दिन में एक हेल्दी डाइट, इसके अलावा आपको जब भी पूरे दिन में छोटी छोटी भूख लगती है, तो आपको उस दौरान कोशिश करनी है कि आप हेल्दी स्नैक्स ही ले, अनहेल्दी चीजों का सेवन ना करें। इससे आपकी कैलोरी की डिमांड बहुत ही आसानी से पूरी हो जाएगी। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी में जहां तक हो सके आपको अनहेल्दी चीजों का सेवन नहीं करना है। अगर आप बाय चांस करती भी हैं, तो कोशिश करें बहुत ही कम मात्रा में लें। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको ट्वींस प्रेगनेंसी में पूरे टाइम मॉर्निंग सिकनेस, या फिर ज्यादातर महिलाओं के मामलों में पूरे दिन की बीमारी को बार बार छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स लेने से कम किया जा सकता है। और ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप पूरे दिन कुछ ना कुछ खाती हैं, वो भी हेल्दी, और अपने पेट को खाली नहीं रखती हैं, तो इससे आपकी मतली की समस्या में भी आपको काफी ज्यादा रिलैक्स मिलता है। जैसे कि आप कम वसा वाला दही, फल, क्रैकर्स, स्मूदी, प्रोटीन शेक, सभी हेल्दी स्नैक्स के बहुत ही अच्छे विकल्प हैं। आप इनको बिल्कुल इजीली ले सकती हैं। और इसके अलावा आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में पीना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। और इसके अलावा आप जो है नारियल पानी, नींबू पानी, सिकंजी, छाछ एंड जूस आदि का सेवन बिल्कुल कर सकती हैं। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान खुजली या सूजन या फिर सर दर्द होना या फिर कोई भी समस्या हद से ज्यादा होती है, तो आप डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान अपनी नींद को पूरा जरूर करना है। आप कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेने की पूरी कोशिश करें। अच्छी नींद भी आपकी ट्वींस प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। पूरी ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान आपके डॉक्टर आपको जितने भी अल्ट्रासाउंड या फिर चेकअप बताते हैं एंड आपको बार बार बुलाते हैं, तो आपको चेकअप कराने में या फिर डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और आप ध्यान रखें कि ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान जितना भी आपका वजन बढ़े, वो आप अनहेल्दी चीजों के द्वारा बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। और आपको ट्वींस प्रेगनेंसी के दौरान जो आपके टीके लगते हैं, आप उनको भी लगवाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ट्वींस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर आपको थकान बहुत ही ज्यादा महसूस होती है, तो आप अपने आप को भरपूर रिलैक्स दें। बस आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।